हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भामाशाह कार्ड के द्वारा फ्री में इलाज कैसे करवाया जाता है। तो दोस्तों, जो यह योजना है सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चलाई गई है, जिसमें सरकार द्वारा हमें सालाना यानी कि एक साल के अंदर अंदर 30,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक का इलाज इसमें हमें फ्री दिया जाता है। और फ्री इलाज के अंदर जैसे डॉक्टर की फीस और ऑपरेशन भी शामिल है, और इनके अलावा सरकार द्वारा ओपीडी और कैशलेस दवाइयों का भी इसमें वितरण किया जाता है, या फिर इसमें हमें सुविधा मिलती है। तो दोस्तों, इस लाभ को लेने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों आपका सबसे पहले भामाशाह कार्ड बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई है, जैसे आपका भामाशाह कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। लिंक मतलब दोनों एक दूसरे से अटैच होने चाहिए, और जो राशन कार्ड में जितने नाम है यानी हम जिसका भी हम इलाज फ्री करवाना चाहते हैं वो सारे नाम राशन कार्ड में भी होने चाहिए, और सेम भामाशाह कार्ड में भी होने चाहिए, यानी कि दोनों में नाम मैच खाने चाहिए। और तीसरा होता है कि भाई आपका राशन कार्ड के अंदर NFSC चालू होना चाहिए, यानी कि खाद्य सुरक्षा आपका राष्ट्रीय अंतर्गत जो इनके जो राष्ट्रीय योजना है खाद्य सुरक्षा की, वो आपके राशन कार्ड पे चालू होनी चाहिए। या फिर यूँ कह लो कि भाई आपके राशन कार्ड पे आपको गेहूँ मिलना चाहिए, तब जाके आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। अगर दोस्तों आपका भामाशाह कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप पहले भामाशाह कार्ड बनवा लेना। अगर आपके राशन कार्ड पे ऑलरेडी खाद्य सुरक्षा चालू है, अगर आपको गेहूँ मिल रहा है, सारी सुविधा मिल रही है राशन कार्ड पर, तो आप भामाशाह कार्ड बनवा के इन सुविधा का लाभ ले सकते हो। और भामाशाह कार्ड बनवाने के बाद आप इसको लिंक करवा देना। लिंक आप सरकारी डिपार्टमेंट या फिर आपके नज़दीकी ई मित्र कार्यालय पर भी लिंक हो जाएगा। लिंक में से इन दोनों की सीडिंग करवानी है, एक दूसरे से अटैच करवाने सारे मेंबरों को। तो ये जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो डॉक्टर वगैरह होता है वो भामाशाह कार्ड नंबर डाल के चेक करता है कि भाई इसका रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रिकॉर्ड आ गया तो आपका समझ लो कि राशन कार्ड भामाशाह कार्ड से लिंक है, और रिकॉर्ड नहीं आया तो आपका लिंक नहीं है। तो आप इन दोनों को जाकर ई मित्र पर लिंक करवा देना, और जो भामाशाह कार्ड है उसके अंदर आपको खाद्य सुरक्षा नंबर डलवाना होगा। जो भी राशन कार्ड का जो कॉलम आता है ना भामाशाह कार्ड के अंदर, उसमें आपको कॉलम के अंदर इसका नंबर डलवाना होगा, और उसके बाद इन दोनों की सीडिंग करवानी होगी। सीडिंग के बाद ये दोनों लिंक हो जाएंगे, उसके बाद आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। बहुत सारी है, 1,500 के समथिंग इसमें दोस्तों बीमारी है, उन सभी बीमारियों का इसमें इलाज फ्री किया जाता है। अब दोस्तों, जो जिनके राशन कार्ड पर खाद्य सुरक्षा चालू नहीं है, या फिर जिन राशन कार्ड पर गेहूँ नहीं मिलता, उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको मेरी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि भाई कैसे गेहूँ लेना है और कैसे इसमें खाद्य सुरक्षा की मोहर लगवानी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी संबंधित रिश्तेदार या फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे नए मेहमानों से उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत। मेरे कोड़े सूट दो ही रह गए सोनिया, नकना गोरिये, ना 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 गोरिये, ओ कुड़ी मेनू कहंदी मेनू चुम्मदी लै दे सोनिया, नकना गोरिये, ना 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 गोरिये।